लॉर्ड साहब समाजवाद के वैसे प्रोद्धात थे जिनके जाने के बाद शून्य की स्थिति इस देश में मालूम पड़ता है। उस समय से लेकर आज तक, जिस समय 42 के मोमेंट के बाद जो 75 का मोमेंट हुआ, उस समय से लेकर अब तक इन पर डायनामाइट कांड का अभियोग बनाया गया। उसके बाद भी एक पहला इकलौता आदमी था जो जेल के हिरासत में रहने के बाद भी मुजफ्फरपुर के शहर से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत के गए थे। पार्लियामेंट में लगातार वो मजदूरों की बात को रखते रहे। 22,000 लोगों को जब मुअत्तल कर दिया था रेलवे कर्मचारियों को, उस समय जॉर्ज साहब जब 77 में हुकूमत मुरारजी भाई की सरकार बनी, 22,000 परिवार को एक बार में उन्होंने रोटी देने का काम किया, जिसको कि श्रीमती गांधी ने मुअत्तल कर दिया। मजदूरों का मसीहा, गरीबों का निमिंदा और नौजवानों का हिमायती होने से जाने से आज पूरा देश, पूर्ण भारत शोकाकुल। देश के महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी का कल देहांत हो गया। युवा लोक जनशक्ति पार्टी सत सत नमन कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के वो एक महान व्यक्ति थे, उनसे कई चीज़ सीखने को मिलता है।